नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हो आप सारे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके कहा था कि प्लीज़ एक हेयर मास्क का रिव्यू करके दिखा दो, तो आज के वीडियो में हम वही करने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोनों चीज़ कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं TRZ स्पेशल हेयर मास्क विथ अर्गन एस कोकोनट ऑयल। इसमें है और ये आप कहाँ से ख़रीद सकते हो, तो आप इसे मीशो से परचेस कर सकते हो। नॉट स्पॉन्सर्ड, ओनली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है। यह मास्क फॉर ड्राई एंड फ्रिजी हेयर्स के लिए इसे बनाया गया है। 60 ग्राम की क्वांटिटी के लिए आपको 173 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ऑफर्स का फ़ायदा उठाते हैं तो आपको 131 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फ्री डिलीवरी है। अगर बात की जाए रेटिंग की, 3.9 की रेटिंग है। ऑफर्स की बात की जाए तो ऑनलाइन पे करने पर आपको 20 रुपीज़ का ऑफ हो जाता है, बैंक से पेमेंट करने पर 17, रॉन्ग डिफेक्ट आइटम पे 5 रुपीज़। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। स्पा एट होम, अगर आपके बाल काफ़ी फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, तो आप इसका आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी इजीली। इस तरीके का दिखता है। कोकोनट ऑयल, अर्गन ऑयल इसमें मिलाया गया है, जो कि आपकी हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और काफ़ी अच्छा ये हेयर मास्क है। तो देखिए इसे यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़। क्वान्टिटी आपको एक ही मिलेगी। शैम्पू योर हेयर अपने एंड देन राइज। स्टेप 2, अप्लाई योर हेयर मास्क। स्टेप 3, वेट 3 to 5 मिनट्स। स्टेप 4, राइज। स्टेप राइज एंड स्टेप 5, चावल ड्राई एंड स्टाइल योर रिस्ट्रेस्ड हेयर एज योर नॉर्मली होल्ड। एंड हेयर मास्क हैव बीन फॉर्मुलेटेड आफ्टर एक्सक्यूटिव सेंसिटिव एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च टू क्योर हेयर लॉस। हेयर नेचुरली withers over time, but the weakness in the hair for flies is accentuated due to loss of natural oils, essential nutrition and moisturizer from the hair caused by central external factors and condition and own activities to damage the scalp feather. And hair cream as mask, hair care, frizzy hair, hair mask for smoothing hair, anti deposit protector hair mask, dry damaged frizzy hair, हेयर साइन, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हेयर री ग्रोथ, डल हेयर, एंटी हेयर नरिशमेंट, मॉइस्चराइजमेंट के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस हेयर मास्क का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले शैम्पू कर लेना है, उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। शैम्पू धो लीजिए, फिर जाके इसको 5 से 4 मिनट आपको अपने बालों में रहने देना है। उसके बाद धोने के बाद ड्राई टॉवल से आप अपने बालों को पोंछ लीजिए। बहुत ईजी है यूज़ करना, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। वीक में जितने बार आप शैम्पू करते हो तब तब आप हेयर मास्क यूज़ करना, लेकिन मैं तो कहूँगी वीक में आपको 2 ही बार हेयर शैम्पू करना चाहिए। तो आप 2 ही बार इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके बाल काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, शाइनिंग हो जाएंगे। स्पा में काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, आप इससे अच्छा कि यहीं पर यूज़ कर ले, काफ़ी बेटर होगा और अच्छा भी होगा आपकी हेयर्स की ग्रोथ के लिए, काफ़ी अच्छा है। और इसका जो सेल्फ लाइफ है वो 24 मंथ्स का है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल हेयर टाइप्स, हर तरह की त्वचा वाले मतलब कि बाल वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर की बात की जाए तो कोकोनट है, हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको बाल वगैरह लॉस हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मालूम तुम्हें भूलना। मैं बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।